नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता द्विवेदी, मेरे किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने घर में प्रसाद कैसे बनाएंगे और किन किन चीजों का प्रसाद हम अपने घर में बना सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए तो हम आपको बताते हैं प्रसाद की थाली हम कैसे तैयार करेंगे, किन किन चीजों से हम प्रसाद बना सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं प्रसाद, हम कई तरीके का प्रसाद अपने घर पे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, पिसी हुई चीनी आधी कटोरी, आधी कटोरी धनिया पाउडर जो मैंने घर पे बनाया है भून के, मखाना कटा हुआ, सूखा नारियल कद्दूकस करके यहाँ पे मैंने ले लिया है, आधी कटोरी रामदाना जो मैंने यहाँ पे भून लिया है, दही आधी कटोरी, ये मक्खन है जो मैंने मलाई से निकाला है क्योंकि कृष्ण भगवान को मक्खन बहुत पसंद था, इसलिए हम प्रसाद में मक्खन भी रख सकते हैं। खीरा दो, अनारदाना, पंचमेवा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मखाना, काजू, किशमिश, बादाम छोटे छोटे टुकड़ों में, सूखा नारियल कटा हुआ, तुलसी की पत्ती प्रसाद में डालने के लिए, गाय के दूध में केसर हम डाल दिए हैं ताकि इसका कलर अच्छे से दूध में आ जाए, घी 2 चम्मच, किशमिश, बादाम बारीक कटे हुए 4 से 5 बादाम, काजू 4 से 5 काजू बारीक कटे हुए, खड़ी चीनी भी हम लिए हैं 2 चम्मच। सबसे पहले हम इंडक्शन को ऑन करेंगे, सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे और धनिया पाउडर को भून लेंगे। कढ़ाई में घी गरम हो गया है, अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डाल के हम धीरे धीरे भून लेंगे। हल्का हम इसे भून लेंगे। धनिया पाउडर को मैंने 5 मिनट तक भून लिया। धनिया पाउडर हमारा भून के तैयार है। अब इसमें देखिए आप, खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। धनिया पाउडर को मैंने भून के निकाल लिया। अब हम इसमें फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा हो जाए तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के भूनेंगे। घी हमारा गरम हो गया है, वह हम एक साथ सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को डाल के हम भून लेंगे। हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा भून लेंगे। हम वही ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे जो हमने धनिया का चूर्ण बनाएंगे, धनिया पाउडर का उसी में मिक्स करेंगे, वही ड्राई फ्रूट्स हम भूनेंगे। और जो पंचामृत बनाएंगे उस ड्राई फ्रूट्स को हम नहीं भूनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स मेरा भून गया है। आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। हम इसी में धनिया पाउडर भी मिक्स कर देंगे, मिक्स करके तब हम बाउल में निकालेंगे। आप इस तरीके से धनिया पाउडर का चूर्ण तैयार कर सकते हैं प्रसाद में। मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी मिक्स करेंगे 4 चम्मच। आप यहाँ पे देखिए 4 चम्मच चीनी
पिसे हुए हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। धनिया पाउडर का प्रसाद मेरा बन के तैयार है। अब हम रामदाने का प्रसाद तैयार करेंगे। रामदाने के प्रसाद में हम सिर्फ चीनी मिक्स करेंगे, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रामदाने का प्रसाद बन के तैयार है। चरणामृत बनाएंगे यानी पंचामृत। सबसे पहले हम इसमें चीनी डाल देंगे 4 चम्मच, पिसी हुई चीनी हम इसमें भी डालेंगे और पंचमेवा भी डाल देंगे। आपको मैंने दिखाया था पंचमेवा में मैंने 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसलिए पंचामृत बोलते हैं। इस तरीके से हम मिक्स करके इसे मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 1 चम्मच गंगा जल डालेंगे, 1 चम्मच शहद डालेंगे। शहद गंगा जल जरूर डालें पंचामृत में। उसके बाद गाय का दूध, इसमें हम आप देख सकते हैं केसर। गाय के दूध में मैंने केसर को भिगो दिया था ताकि केसर का कलर अच्छे से आ जाए। से धीरे धीरे इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप पंचामृत तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मक्खन का प्रसाद है। मक्खन में हम कुछ नहीं मिलाएंगे, मक्खन को हम सादा ही प्रसाद में रखेंगे। प्रसाद की थाली हमारी तैयार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तुलसी की पत्ती हम सभी प्रसाद में डाल दिए हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का भोग तुलसी के बगैर नहीं लगता है, इसलिए हम तुलसी के पत्ती जरूर कृष्ण भगवान के भोग में डालेंगे। आप इस तरीके से बना सकते हैं प्रसाद। इन सभी चीज़ों में से आपके पास जो कुछ भी है आप प्रसाद बना सकते हैं। हम सभी भक्तों को एक बात कहना चाहते हैं, हमारे अंदर प्रेम भाव श्रद्धा होनी चाहिए। कान्हा हमारे प्रेम के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। जो कुछ भी हमारे घर में है हम प्रसाद बना के उसी का भोग लगाएंगे। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं वो लाइक करेंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक सब्सक्राइब दोनों करेंगे। धन्यवाद।